बोले एकले एकले बना दी इसका तो ए फोटो ना खींच लाऊंगा ए फोटो ना। तो हेलो गाइस, मैं हूं प्रफुल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जॉन प्रफुल ब्लॉग्स। सो गाइस, आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है हमारा एक सिस्टर या दीदी तो नहीं है, मुझको चाचा बोलती है, चर्च में होगा शादी, मतलब कि चर्च मैरिज होगा, उसके बाद गांव में भोज होगा, उसके बाद लड़की को लेके जाएंगे दूल्हा की ओर से। तो ये हमारे क्रिश्चियनिटी में यही होता है, हमारे आदिवासी में। तो ये वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे आदिवासी परंपरा में कैसे सब कुछ करते हैं, शादी ब्याह के टाइम में कैसे वेलकम करते हैं, उसके बाद क्या क्या सब होता है, वो सब आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। वो सब आप लोगों को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ आप लोगों को डांस फांस ये और क्या कुछ होता है वही सब कुछ दिखा सकूंगा जैसे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा तो बहुत वीडियो बहुत लंबा ही हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। तो गाइस, अभी जो है लड़की की ओर से आए हैं, जो लड़के लोग बारात गए हुए हैं उन सबको वेलकम करने के लिए या स्वागत करने के लिए लड़की की ओर से आए हैं। अभी यहाँ पे डांस करते हुए हमारे जो आदिवासी परंपरा के अनुसार इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइलो डांस बोलते हैं, अपना अपना गाना गा के आप मैंने खुद का गाना खुद का बजा, वैसे कुछ भी कॉपीराइट वाला म्यूजिक नहीं है इसमें। और वो जो पीछे साइड में है छतरी पकड़ के, वो लड़की है जिसकी मतलब शादी हो रही है, और उसका एक साथी है जो छतरी पकड़ के खड़ा है, और जो ये सामने आ रहा है ना दाव पकड़ के उसमें आग लगा के आया हुआ है, उसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, हमारे मतलब कि हमारे सादरी में बोलते हैं उसको अगुआ बूढ़ा बोलते हैं, वो जो मुखिया है इसमें। तो अभी इसमें कुछ होगा, अभी डांस ख़त्म होगा उसके बाद विनती प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ये सबको वेलकम करके अपना घर की ओर ले चलेंगे, और इतना ही कुछ होगा इसमें। उसके बाद वो जो लेंगे वो घर की ओर में, उसके बाद जो कुछ होगा आप लोगों को शायद दिखा नहीं पाऊंगा ठीक से, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सोगमान सोगमान काटिकान काले काल रहा हमारा अगवा नहीं, वो जो हमारा है वो पुराना प्रचार था, जो क्रिश्चियन मतलब कि क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं वही लोग जानेंगे। और तो अभी प्रचार कुछ बोलेगा, शायद बोल रहा है, उसके बाद विनती करेंगे। तो गाइस, अभी जो है विनती प्रार्थना खत्म हुआ, उसके बाद अभी सबको मतलब कि मेहमान सबको वेलकम करते हुए डांस करते हुए सभी को ले जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बुरा निकला, बुरा गजब का डांस है ये भाई, देख लो। वाह वाह वाह, क्या डांस है। इस गाना का अर्थ है जो अपना गर्लफ्रेंड हो या गोई बोलते हैं जिसको, मतलब कि लड़की
की शादी है तो लड़के की ओर से लड़की जो भी आए होंगे उसको मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, मतलब कि भले गोई आले गुने देख लो, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, तुम आए इसीलिए मैं आपको देख पाया वैसे कुछ गाना में है, तो मैं ठीक से जानता नहीं इसीलिए बोल नहीं। जो क्या बोलते हैं पाड़ो बोलते हैं हमारे भाषा में, पोरा बोलते हैं हमारे सादरी में, उसी को कोई पुतला बना के किसे झुला रहा है, बहुत फनी लोग हैं यार। तो गाइस इसी जगह में अभी सबसे महत्वपूर्ण काम होने वाला है, और इसको बोलते हैं हमारे सादरी में बोलते हैं चुमन बोलते हैं, और इसमें गांव के हर लोग अपना अपना जो गिफ्ट होता है वो सब आके सामने देते हैं, तो वो सब मैं और किसी के शादी में दिखाऊंगा, सभी को एक ही बार दिखाने में मज़ा नहीं आएगा, एक एक करके वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी हमारे जो भोज हो रहा है उधर की ओर और मैं खाना वाना सब परोसना भी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो चलिए कुछ भी हमारे ओर से कुछ भी गलती हुआ है तो माफ़ करना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और चलिए फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ।